कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में शनिवार को आए नतीजों के कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की खुशी में जिला मुख्यालय पर पूरे जोश के साथ खुशियां मनाई गई। विधायक रवि जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेस सरकार बनने पर खुशी जताई। विधायक जोशी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव परिणामों से नफरत का बाजार बंद हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक है। ये राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के साथ ही कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों की जीत है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है, जो मध्य प्रदेश के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनी प्रतिमा, कांग्रेस कार्यालय के अलावा औरंगपुरा क्षेत्र में जीत की खुशी मनाई। जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी का मुखुटा लगाने के साथ ही हाथों में गदा लिए जयकारे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैं कर्नाटक के इस ऐतिहासिक जीत के लिए सबसे पहले राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, इनको बधाई देता हूं। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है, पूरे देश ने आज देखा कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत को। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए बधाई, कर्नाटक के साथियों को बधाई। पूरे देश ने देखा परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। भाजपा की सरकार की, केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, कि सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सब शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश से। कर्नाटक ने ऐतिहासिक जीत दे के साबित कर दिया कि महंगाई और बेरोजगारी की सरकारों ने कभी बात नहीं करी, महंगाई को कम नहीं करा, बेरोजगार साथियों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए, तो उल्टी गिनती पूरे देश में शुरू हुई है। आज कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही परिणाम आए। मध्य प्रदेश आगामी समय में चुनाव किस प्रकार से इसके असर रहेगा, जैसे एक सेमीफाइनल था? ये सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल जब होंगे। मध्य प्रदेश में 150 प्लस कांग्रेस का नारा होगा, 150 से अधिक सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और ऐतिहासिक सरकार मध्य प्रदेश में भी बनाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।